हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि फ्रिज किस तरह से होता है। आज मैं आपको फ्रिज नॉर्मल सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मगर फिर भी मैं चाह कि सोचा कि आप लोगों को कुछ बता दिया जाए इस मसले में भी, क्योंकि हो सकता है किसी आदमी को पता नहीं हो। फ्रिज भी दो तीन तरह से होता है जो मैं बताऊँगा आज हर टाइप से आपको, ठीक है। फ्रिज आप फ्रिज कहने से क्या फ़ायदा वो भी बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अब हम लोग को ये रॉ को जो है, देखिए ये रॉ को हमको सॉरी ये हाँ ये रॉ को हमको ये करना है, फ्रीज करना है। तो उसको कैसे करेंगे, ये सिंपल से है। यहाँ पर ही जो है, आप रुकिए थोड़ा, मैं नीचे कर लेता हूँ उसको, देखिए आपको सही से देखें, है ना। तो यहाँ पर ही जो है, देखिए यहाँ पर सिंपल से आप क्लिक करें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया इसको सिकंड सेल को, और यहाँ पर जाए, ठीक है, व्यू में जाए, ठीक है। व्यू में देखिए यहाँ पर ही एक फ्रिज दिख रहा होगा आपको, फ्रिज फ्रिज पैनल, ठीक है। तो इस पे क्या है, देखिए फ्रिज हम लोग अगर उसको करना है तो ये फर्स्ट वाला जो है फ्रिज पैनल्स करेंगे और इसको क्लिक कर दे। देखिए ये फ्रिज हो गया, ये देखिए अभी वो फर्स्ट रो जो है वहीं का वहीं है, ठीक है। वो फ्रिज हो गया, मतलब एक तरह का वो, मतलब कि आपको शो करते रहेगा बार, ये जो है ऑटोमेटिक आपको शो करेगा, ये हटेगा नहीं, ऊपर नीचे आप कुछ भी करें यहीं का यहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा तरह से कहने, अब जैसे आपको चाहिए कि ये फर्स्ट रो भी फ्रिज हो और यहाँ तक भी आपका, समझिए यहाँ तक फ्रीज हो, मतलब कि ये भी देखिए अभी मैं इधर कर रहा हूँ तो ये उधर जा रहा है, देखिए आप देखिए देखिए उधर चले गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि उधर क्या था। तो आप चाह रहे कि ये नेम बार भी आपको दिखाई दे और यहाँ तक, मतलब ये जो ऑरेंज कलर है यहाँ तक आपको दिखाई दे, ये कंटिन्यू चाहे आप उधर जितना भी जाए, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें देखिए यहाँ पर सेलेक्ट करें, देखिए यहाँ सेलेक्ट करें, यहाँ पर जाए, पहले अनफ्रीज कर दे क्योंकि हम लोग पहले फ्रीज कर चुके थे, उसको अनफ्रीज करें, फिर उसके बाद जो है आप ये फ्रीज पे कर दें। अभी देखिए आपका फ्रीज जो है यहाँ तक हो गया, ये आपका इतना दूर तक फ्रीज है, ठीक है। इधर का फर्स्ट कॉलम, ये ऊपर का पूरा टॉप कॉलम आपका जो है, सॉरी टॉप रो पूरा हो जाएगा, और ये कॉलम इधर का जितना भी कॉलम है सब हो गया। अभी आपको मैं करके दिखलाता हूँ, देखिए अभी देखिए जितना भी जाए आपका वो कॉलम वहीं का वहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी तरीका से, ठीक है। इसी तरह से जो है आप एक और इस पे देखिए, मैं यहाँ पर फिर एक बार फ्रेश करके आपको दिखलाता हूँ। इस पे देखिए एक स्प्लिट बार भी है, स्प्लिट करके कर देंगे तो ये जो है ना, देखिए डुअल में आपको दिखाई देगा, इधर से देखिए स्प्लिट बार पे डुअल पे दिखाई देगा। यहाँ से आप चाहेंगे तो ऊपर और स्क्रॉल करना, तो देखिए स्क्रॉल भी होगा, देखिए ये भी स्क्रॉल कर रहा है इधर से, और ये जो है ये इसको भी चाहेंगे तो आप इधर से सेलेक्ट करके इसको कर सकते हैं, मगर ये ज़्यादा फायदा नहीं है। इसको करने से मतलब आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इसको ना करें कभी भी, जो ज़्यादा फायदा नहीं है, ठीक है। हाइड कर सकते हैं, देखिए हाइड हो गया पूरा आपका, जितना भी था स्प्रिट जितना भी किया होता हाइड हो गया, ठीक है। अभी अनहाइड इसको कर सकते हैं, ठीक है, देखिए अनहाइड हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।